हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। BMW का लेक्चर है। BSc ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें हमने इस लेक्चर में एक कल एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है आपका, वो है DC सर्किट थ्योरम। DC सर्किट थ्योरम, कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़नी है हमें। तो पहली थ्योरम से आपकी थेवेनिन्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? थेवेनिन थ्योरम। क्या होती है थेवेनिन थ्योरम, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। थेवेनिन थ्योरम ये होती है, इस थ्योरम के अनुसार किसी जटिल विद्युत परिपथ को किसी प्रतिरोध के दो बिंदुओं के एक्रॉस, मतलब आर पार एक छोटे सरल परिपथ में बदला जाना जाता है। जिसके केवल एक वोल्टेज सोर्स तथा केवल एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब तुल्य प्रतिरोध, एक आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि वोल्टेज सोर्स के श्रेणी में लगाओ, वोल्टेज सोर्स की श्रेणी में लगाओ। ये था, यानी इस तरह से हम बनाते हैं थेवेनिन थ्योरम। एक आप BTH वोल्टेज सोर्स लगाओगे, एक क्या लगाओगे, RTH, ठीक, एक RTH लगाओगे। ये दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे क्या लगाओगे, एक लोड रेजिस्टेंस RL। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बनाते हैं थेवेनिन का। इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बनाते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, कैसे क्या क्या प्रोसीजर है बनाने का, स्टेटमेंट देखो कैसे कैसे हम बनाते हैं। स्टेटमेंट ये है, कौन कौन से हम स्टेप हम फॉलो करते हैं इसके बनाने के लिए। तो किसी परिपथ को थेवेनिन तुल्य परिपथ में बदलने के लिए निम्न स्टेप्स का प्रयोग करते हैं निम्न स्टेप्स का प्रयोग करते हैं
हम निम्न स्टेप्स का प्रयोग करते हैं किसी भी परिपथ को, यानी कोई सर्किट है उसको हम थेवेनिन में चेंज करना हो तो हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप ये है कि लोड रेजिस्टेंस को, लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को परिपथ से बाहर कर, परिपथ से बाहर कर उसके स्थान पर खुला परिपथ रखते हैं। एंड लोड रेजिस्टेंस को आप हटा देते हैं, उसके स्थान पर क्या रखते हैं, खुला परिपथ। यानी आप क्या करोगे, आप कोई आपका लोड रेजिस्टेंस है तो उसको आप रिमूव कर दोगे, यानी आरएल को रिमूव करके आप ओपन कर दोगे, इसको ओपन सर्किट बना दोगे। पहला स्टेप हो गया रिमूव, मतलब रिमूव लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट बाय ओपन सर्किट, रिमूव लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट वाई ओपन सर्किट। सेकंड स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं, सेकंड स्टेप फॉलो ये करते हैं किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करके, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग कर, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए ओपन सर्किट को किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए ओपन सर्किट की वोल्टेज ज्ञात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तथा उसे VTH या VOC कहते हैं। पहला हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर दोगे, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं और क्या करते हैं, उसकी जगह ओपन सर्किट करेंगे, रख देंगे। सेकंड स्टेप में क्या करें, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए जो आपका ओपन सर्किट है उसकी हम VTH निकालेंगे, यानी वोल्टेज सोर्स उसका ज्ञात करेंगे, वोल्टेज ज्ञात करेंगे उससे क्या करेंगे, जिसका नाम रखेंगे हम VTH या BOC। VTH का मतलब थेवेनिन वोल्टेज ऑफ VTH, वोल्टेज थेवेनिन का वोल्टेज, या BOC कहते हैं ओपन सर्किट का वोल्टेज। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सभी ऊर्जा स्रोतों को विद्युत परिपथ से अलग रखते हैं, विद्युत परिपथ से अलग रखते हैं। यानी एनर्जी सोर्स को क्या करेंगे, विद्युत परिपथ से अलग रखते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट तथा करंट सोर्स को ओपन सर्किट से बदलते हैं। करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट से
चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखो, स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर में करेंगे ओपन सर्किट के बिंदुओं को, ओपन सर्किट के बिंदुओं के एक्रॉस, ओपन सर्किट के बिंदुओं के एक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, इसे थेवेनिन, इसे थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध, थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध या कह सकते हैं आरटीएच, आरटीएच कहते हैं, बीटीएच क्या कहते हैं, बीटीएच को कहते हैं थेवेनिन तुल्य वोल्टेज और आरटीएच को थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध। ये हो गया पांचवा पॉइंट, ये है कि आपका थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाते हैं, थेवेनिन, थेवेनिन तुल्य परिपथ ड्रॉ करते हैं। ये पांच स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर दोगे और उसकी जगह क्या करोगे, उसको ओपन सर्किट कर दोगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, केसीएल आप अप्लाई करोगे, केसीएल अप्लाई करने के बाद क्या करोगे, केसीएल या केबीएल जो भी अप्लाई करोगे उससे क्या करोगे, आप वोल्टेज सोर्स निकालोगे जो आपने ओपन सर्किट किया था और उसका नाम बीटीएच और या बीओसी रख देंगे। थर्ड में क्या करेंगे, एनर्जी सोर्स को आप रिमूव कर दोगे, जितने एनर्जी सोर्स हैं और वोल्टेज सोर्स को आप क्या करोगे शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट में बदल देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट में। चौथा पॉइंट ये है कि जो आपका ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ओपन सर्किट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसे बोल देते हैं हम थेवेनिन रेजिस्टेंस। और पांचवा पॉइंट ये है, थेवेनिन तुल्य परिपथ हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, इस तरह से